जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सर्दियां अब धीरे धीरे तेजी पकड़ रही हैं, सर्दियों का मौसम अब जोर पकड़ रहा है, तो ये है सही समय आप अपने घर की तुलसी का सही से ध्यान रख लीजिए, वरना पूरी तरीके से तुलसी माता सूख जाएंगी, उनके पत्ते झड़ जाएंगे और तुलसी का सूखना किसी भी प्रकार से हमारे लिए शुभ नहीं होता है। तो बागेश्वर धाम सरकार में गुरुजी ने कल की कथा में क्या बताया था, किस तरीके से हम अपने घर की तुलसी को सूखने से बचा सकते हैं, क्या इसके लिए उपाय करना सबसे अच्छा उपाय है, उसे ही पूरा विधिवत और सबसे ज़्यादा साधारण भाषा में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसलिए अपने और अपने पूरे परिवार के फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और देखने के बाद इस उपाय को करने के साथ साथ ही इस उपाय को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के हर एक सदस्य, चाचा, ताऊ, बुआ, चाची, मामी सबके साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनके घर की तुलसी भी कभी ना सूख पाए। तो इस जानकारी को सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने घर के तुलसी की अच्छी से सेवा करते हैं तो क्या होगा कि तुलसी माता के जो पत्ते हैं वो बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगे और साथ ही साथ सूखेंगे भी नहीं, हरी भरी बनी रहेंगी आपके घर की तुलसी। क्या करना है ध्यान से सुने। तो तुलसी के पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टाइम होता है ये सर्दियों का टाइम। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो तुलसी के पत्ते हैं, जो उनके जो घर की तुलसी है उनके पत्ते अब तक झड़ना जो है वो शुरू भी हो गए होंगे। अगर आपके एरिया में टेम्परेचर यानी कि वहाँ का तापमान कम हो गया है, या फिर वो सुबह सुबह आपको पड़ती हुई दिखाई दे रही है, कोहरा पड़ रहा है आपके घर के आसपास में, तो आपको ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि कोहरा तुलसी के पौधे को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर आप सर्दियों में तुलसी के पौधे को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आप अपने तुलसी के पौधे की जगह को अभी बदल दीजिए। ठीक है, आपको अभी तुलसी के पौधे को एक ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर सीधा कोहरा उसके ऊपर ना पड़े। आप चाहे तो अपनी तुलसी के पौधे को एक शेड वाली जगह पर रख सकते हैं, ऐसी जगह पर जहाँ पर दिन की रोशनी हो और उन्हें पूरी तरीके से रोशनी मिल जाए। बहुत ज़्यादा अगर धूप नहीं मिलती है तब भी चलेगा, लेकिन कोहरा तुलसी के पौधे के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप तुलसी के पौधे की जगह को नहीं बदल सकते हैं, कई लोगों के ऐसी जो है जगह नहीं है कि वो अपने घर की तुलसी को बदल सकें, तो जैसे ही काफ़ी सारे लोग अपने घर की तुलसी के पौधे को आंगन में लगा कर रखते हैं तो आप इसके ऊपर शेड बना सकते हैं। ठीक है, ताकि पूरी तरीके से तुलसी माता ऊपर की तरफ से ढक जाए और कोहरा उनके ऊपर ना गिरे। कोई भी हरे रंग के कपड़े का एक शेड बना लीजिए ताकि सीधा कोहरा तुलसी माता के ऊपर ना पड़े। दूसरी चीज़, आप चाहे तो किसी हल्के कपड़े से भी तुलसी के पौधे को ढक सकते हैं, इससे भी काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। दूसरी चीज़ और बताती हूँ, अगर आपकी तुलसी के पौधे की जो मंजरियाँ हैं वो सूख रही है तो आप उन मंजरियों को तोड़ करके बचा करके रख लीजिए। किसी भी पॉलीथीन में बांध करके आप इसको जो है मंजरियों को रख लेंगे और अच्छे से इसे पक जाएंगी। जब पक चुकी हो मंजरियाँ और इनके अंदर के जो बीज है बीज बन जाए, तो आप इन मंजरियों को तोड़ करके आप संभाल करके इसे रख लीजिए। अगर किसी भी वजह से 1% भी आपका तुलसी का पौधा खराब हो जाता है तो तुरंत से आप इन बीजों को नए तुलसी के पौधे में लगा सकते हैं। आपको नर्सरी से तुलसी के पौधे को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं घर के अंदर ही। इन मंजरियों को आपको इकट्ठा करके रखना है बस। ठीक है, और सर्दियां ही नहीं, कभी भी अगर तुलसी के पौधे पर ज़्यादा मंजरियां आ चुकी है तो आप उन्हें ज़रूर हटा दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो तुलसी है वो हमेशा हरी भरी बनी रहेगी। अपनी तुलसी को हरा भरा बनाकर रखना है तो हमेशा समय समय पर आप उनकी मंजरियों को ज़रूर हटा दिया कीजिए। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने इन मंजरियों को नहीं हटाया तो तुलसी का जो पौधा है वो आगे बढ़ने में नहीं बल्कि अपना पूरा ध्यान मंजरियों के ऊपर लगा देता है, और इससे क्या होता है कि आपकी जो हरी तुलसी है वो अपना हरा रंग खो देती है। इसके बाद आती है तीसरी गलती, हम क्या करते हैं, आप सभी इस गलती को करते होंगे, जिसकी वजह से सर्दियों में तुलसी का पौधा सूख जाता है, और यही मेन कारण भी होता है जिसकी वजह से तुलसी का पौधा सूख जाता है। अगर आप इसके ऊपर ध्यान देंगे
लगेंगे तो आपका तुलसी का पौधा कभी भी नहीं सूखेगा। तो क्या है इसके इसका जो पानी है, आप कितना पानी तुलसी के पौधे में देते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। तुलसी के पौधे को आपको ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं देना है, पानी बस आपको इतना देना है कि इसकी जो मिट्टी है वो हल्की हल्की सी जो है मॉइस्चर बना रहे, पूरी तरीके से पानी में गले ना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप अपनी तुलसी के पौधे की मिट्टी को सूखा दीजिए, पूरा मतलब सूखी हुई होनी चाहिए, पानी से भरा हुआ आपका जो जो गमला है पूरी तरीके से नहीं भरा होना चाहिए। ज़्यादा गीली अगर मिट्टी रहती है तो भी तुलसी का पौधा सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, और आपका तुलसी का पौधा ठंड ज़्यादा उसे लगेगी और तुरंत ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अपने पौधे की मिट्टी को बिल्कुल सुखाना भी नहीं है और बिल्कुल ज़्यादा गीला भी नहीं रखना है, बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको बैलेंस बनाकर रखना है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइज़र की। तो वो कौन सा खाद है जिसको आप इस समय जो है अपने तुलसी के पौधे में लगा सकते हैं, डाल सकते हैं, जिससे कि आप अपने तुलसी को सड़ने से भी बचाएंगे सर्दियों में। ठीक है, सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, हर चीज़ को आप चाहे तो कॉपी में या कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिए या इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, जब भी आपको जो थोड़ी बहुत चीज़ें ध्यान से बाहर जाए तो आप दोबारा इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई प्रश्न है आपके मन में तो भी आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय माँ तुलसी जरूर लिख दीजिएगा। तो तुलसी का जो पौधा है हरा बनाकर रखना है तो इसके लिए बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन आपको बताती हूँ। हमारे घर के किचन में ही ये मौजूद होता है। इस समय तुलसी को बहुत ज़्यादा खाद बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाद आप इस समय सर्दियों में देंगे तो वो भी एक कारण बन जाता है जिसकी वजह से तुलसी का पौधा खराब हो जाता है। अगर आप कोई होममेड फर्टिलाइजर नहीं देना चाहते हैं तो आप सिर्फ कंपोस्ट दे सकते हैं। गोबर की खाद 2-3 मुट्ठी महीने में एक बार अपने तुलसी के पौधे को आपको दे देना है, ये काफ़ी होता है पूरी सर्दियों को तुलसी को हरी भरी बनाकर रखने में। या फिर आपके पास गोबर के उपले हैं तो गोबर के उपलों को भिगो करके आप रख दीजिए और अगले दिन उसका जो पानी है उसको छान करके तुलसी के पौधे में आपको डाल देना है। इतना करने से भी आपके घर में हमेशा तुलसी का पौधा हरा भरा बना रहेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि पानी इतना ज़्यादा ना हो कि जो पानी है, जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से पानी से डूब जाए, इससे भी जो उसकी जड़ है वो सड़ जाएगी या उसमें जो है पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। ये जो गोबर की खाद मैंने बताई ये कीड़े या फिर फंगस अगर है तो उन्हें बहुत ही आसानी से दूर कर देगा, और पत्तों को जो है गिरना है उनको बचाने के लिए एकदम बैलेंस रूप में आपको डालना है। अगर ज़्यादा डाल दिया तो भी आपके पत्ते गिरना शुरू हो जाएंगे। तो बस इतना सा ध्यान आपको सर्दियों के मौसम में रखना है। गुरुजी ने बताया है कि इस समय तुलसी के पौधे की सेवा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पूरे साल आपने तुलसी के पौधे की खूब मन से सेवा की है, तो अब आपका समय आया है कि आप उस पौधे की अच्छी तरीके से रक्षा करें ताकि पूरे समय 12 महीने आपके घर की तुलसी हरी बनी रहे, और हरी भरी तुलसी से हमारे घर में भी हमेशा सुख और शांति के साथ ही समृद्धि भी बनी रहती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके से हम रोज़ सुबह आपको अपने निजी जीवन से जुड़ी हर जानकारी, साथ ही साथ व्रत तीज पर्व से जुड़ी हर एक जानकारी जन साधारण भाषा में सबसे पहले आपको पहुंचा सके, इसलिए पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हो अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।